नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और आज पूजा सिंघल के 14 दिनों का जो रिमांड पीरियड था वो आज ख़त्म हो रहा है। जिस तरीके से पहले 5 दिनों का रिमांड पीरियड, फिर 4 दिनों का और एक बार फिर से 5 दिनों का रिमांड पीरियड में थी पूजा सिंघल ईडी कार्यालय में। जो लगातार उनसे पूछताछ का जो दौर है वो जारी था और पूजा सिंघल से पूछताछ के दौरान कई अहम चीज़ें जो है वो सामने आई थी। अगर हम लोग बात करेंगे मनरेगा की और अगर मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात करेंगे तो ये कई सारी चीज़ों का जो है वो खुलासा हुआ था। और अगर हम बात करेंगे सीएस सुमन की तो वो 13 दिनों के रिमांड पीरियड में थे, जिसके बाद उनकी जो है वो गिरफ्तारी हो गई थी और उन्हें जेल भेज दिया गया था। आज 14 दिनों का रिमांड पीरियड जो है वो ख़त्म होने वाला है पूजा सिंघल का और आज एक बार फिर से उन्हें ईडी की कोर्ट में पेश किया जाएगा और देखना होगा कि क्या कुछ वहाँ से सामने आता है। और कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से पूछताछ का जो दौर था वो बरकरार था और कई चीज़ें, अहम चीज़ें जो हैं वो सामने आई थी। और जिस तरीके से ईडी कार्यालय में अभी कई सारे जो डीएमओ थे उनसे भी पूछताछ हुई थी और लगातार ये सारी चीज़ें जारी हैं। अब देखना यही होगा कि आगे क्या कुछ होता है और आज ईडी की कोर्ट में क्या कुछ फैसला सामने आता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कि सूत्रों की माने तो 12 से 12:30 बजे के करीब में पूजा सिंघल को ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहाँ से क्या कुछ आता है वो देखने वाली बात होगी। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।